लेग फिट घोटाले के आरोपी हुए बरी, लचर विवेचना पर कोर्ट की खरी खरी, सरकार की तरफ से छूटी कसर या मामले की पैरवी रही लचर। जी हां, सूबे की जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता सौंपी थी कि शायद कुछ बदल जाए, लेकिन करोड़ों रुपए के लेगफिट घोटाले के आरोपियों के बरी होने के बाद तो सवाल शोर कर रहे हैं कि आखिर क्या बदला। ये कैसी व्यवस्था है जो विवेचना के बल पर भी खड़ी नहीं हो सकती। लेगफिट घोटाले के आरोपी हुए बरी, लचर विवेचना पर कोर्ट की खरी खरी, सरकार की तरफ से छूटी कसर या मामले की पैरवी रही लचर। जी हाँ, सवाल यह है कि सरकार की तरफ से छूटी कसर या फिर मामले की पैरवी लचर रही। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आईपी सिंह हैं, इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता विजेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि बसपा सरकार में लेगफिट घोटाले के आरोपी चार पूर्व मंत्रियों को लखनऊ सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया क्योंकि जांच एजेंसी एसआईबी पर्याप्त सबूत नहीं दे पाई। अब सवाल ये है कि क्या लचर पैरवी से मिली है राहत। बड़ी उम्मीद के साथ सौंपी थी सूबे की जनता ने लोहिया के लड़ाकों को सत्ता की बागडोर। सोचा था सब बदल जाएगा, इसलिए सत्ता बदल दी, सरकार बदल दी, लेकिन इस बदले माहौल में तो लगता है कि ये सब बेकार है। क्या फायदा ऐसी व्यवस्था का जिसकी लचर विवेचना में घोटालों के आरोपी बरी हो जाते हो। माया सरकार में कद्दावर मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा, बादशाह सिंह, चंद्रदेव राम, बाबू सिंह कुशवाहा लेगफिट घोटाले के आरोप से बरी हो गए क्योंकि जांच एजेंसी एसआईबी पर्याप्त सबूत नहीं दे पाई। अब सवाल तो उठेंगे ही, लिहाजा उठ भी रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें इसकी पैरवी में या जो पूरी जांच है इसमें कहीं न कहीं ऐसी खामी जरूर रही कि जिसके कारण जिनके ऊपर आरोप लगे और बहुत सारी चीजें जांच में आई वो सब उन सब लोगों को न्यायालय ने बरी किया। ठोक बजा कर दिलो दिमाग में भरे गए संस्कारों का अब कोई मोल नहीं रहा। इनके अनमोल होने की कौन कहे, ये लापरवाही नहीं तो और क्या है। पैरोकारी कोई सरकार की तरफ से होती नहीं है और उन मामलों को इतना हल्का कर दिया जाता है कि आरोपी छूट जाते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि घोटाला तो हुआ है लेकिन सरकार के द्वारा प्रभावी कदम ना उठाए जाने से। इस पर प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि आगे आना चाहिए, उनको बताना चाहिए क्या आरोप थे और क्यों छूट गए लोग। बहरहाल, क्यों जताए थे इरादे और क्यों किए थे वादे, आपके वादों की बिसात पर ही तो बदल गई थी सूबे की सत्ता। अब टूटे हुए अरमानों की अर्थी निकालने के लिए तो नहीं सौंपी थी लोहिया के लड़ाकों को सरकार। सवाल ये है कि क्या लचर पैरवी से मिली है इन आरोपियों को राहत। साजिद अली, ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जी हाँ, सवाल खड़ा होता है, सवाल इसलिए कि पहले तो सबूत होने का दावा एजेंसी की तरफ से किया जाना, 2 साल जेल में रखना और उसके बाद एकाएक कोर्ट में सबूत पेश ना कर पाना, सवाल खड़ा करता है कि क्या ये लचर विवेचना का नतीजा है या फिर कुछ और है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आईपी सिंह जी, सबसे पहले आपके पास, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि जब एसआईबी ने इस मामले को जांचना शुरू किया तब उसके हाथ सबूत होने का दावा किया गया और उसके बाद गिरफ्तारी भी की गई इन आरोपियों की जिनको आज बरी कर दिया गया है, लेकिन अब एकाएक ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट में जांच एजेंसी सबूत नहीं दे पाई, ये विवेचना में खामी का नतीजा है या कुछ और है। गायत्री, मैं श्री अमिताभ जी का बहुत आभारी हूं और समाचार प्लस का बहुत आभारी हूं कि आज लेगफिट के विषय में मुझे पहली बार कुछ कहने का अवसर मिलेगा। श्री अमिताभ जी को एक बात मैं बताना चाहता हूं, ये वो लेगफिट है जब मैं छात्र राजनीति से आने के बाद राजमंत्री स्तर का, मैं और डॉक्टर दिनेश शर्मा दो ऐसे व्यक्ति थे जो राजमंत्री स्तर के चेयरमैन बनाए गए थे बीजेपी के, और इस संस्था योगेंद्र नारायण जी चीफ सेक्रेटरी थे, उनके पास जाकर इस संस्था को खड़ा करने का काम हमने किया। और अमिताभ जी, मैं अपना आपको दर्द बताऊं कि यह सहकारिता विभाग का निर्माण इकाई है लेगफिट और पैकफिट,
और पूरी सहकारिता विभाग में अलाइड पीसीएस सेवा मंडल से उनकी नियुक्ति होती है और सभी अधिकारियों की संपत्ति अमिताभ जी 200 500 करोड़ से ऊपर है। यहां तक कि सहकारिता का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट अगर इस मशीनरी का माना जाए तो ये सारी एजेंसियां हैं, उसमें पीसीएफ भी है, भूमि विकास बैंक भी है और जिला सहकारी बैंकों की स्थिति का आपको पता ही है। और इस सहकारिता पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के जो रिश्ते एक दूसरे को बचाने का और सहकारिता विभाग को लूटने का एक षड्यंत्र के तहत एक दूसरे की मदद है। अमिताभ जी, मैं 2002-2003 तक इस संस्था का मैं चेयरमैन था और एक ये दो इंजीनियर जो आज 3 वर्षों से जेल में हैं, अजय दोहरे और जीएस श्रीवास्तव, आज उस समय एमडी ओंकार यादव थे, उनके इशारे पर जब मैंने जांच की थी, मैं अपना दर्द बताना चाहता हूं अमिताभ जी, आज मुझे आपने अवसर दिया, 2 मिनट और दे दीजिएगा। मेरे खिलाफ हरिजन एक्ट लगाया गया और वो हरिजन एक्ट चुप्पे से लगाया गया, उसमें मैं 3 दिन जेल में रहा और इसलिए कि क्योंकि मैं कार्रवाई करना चाहता था और कार्रवाई नहीं हुई। 16 जुलाई 2002 को मेरे घर में बेटी मेरी होती है, सीजेरियन होती है, मेरे घर में 20,000 रुपए अमिताभ जी नहीं था और मेरे एक मित्र ने मेरी मदद की थी, इस संस्था को मैंने खड़ा किया और इस संस्था में 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मैं तो आपके पास फिर लौटेंगे दुजेंद्र पाठी जी, जब इनको गिरफ्तार किया गया था और इन जो अब आरोपी जो बरी हुए हैं बसपा सरकार के पूर्व मंत्री, इसकी लड़ाई आपकी बात आ रही है, इन लोगों के जेल जाने से पहले मैंने लड़ाई लड़ी है अमिताभ जी लखेट की। आरपी सिंह जी, मैं आपको बताना रोकनी पड़ेगी, दलों ने किस प्रकार का इस जनता का खून पिया है अमिताभ जी, ठीक है आरपी सिंह जी आपकी बात आ गई, घोटाला और न्यायपालिका उनको क्लियर। आरपी सिंह जी आपको आवाज नहीं मिल पा रही है क्या, आपके पास फिर लौटेंगे। दुजेंद्र पाठी जी, जब इनको गिरफ्तार किया गया था ये षड्यंत्र उस वक्त रचा गया था, वो षड्यंत्र था या अब कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि लापरवाही तो हुई थी, घोटाला तो हुआ है, लेकिन अब एजेंसी सबूत नहीं दे पाई। गायत्री जी, अभी लेकफिट की बात हम कर रहे हैं, थोड़े दिन के बाद आपके चैनल पर फिर हम एनआरएचएम की भी बात करेंगे, कुछ इसी तरह का षड्यंत्र वहां पर भी हो रहा है और सभी लोग बेदाग छूट जाएंगे क्योंकि वही समझौता है जो समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के बीच में है। आपको याद होगा कि 2007 में मायावती जी ने भी कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो मुलायम सिंह जी को जेल भेजेंगे। उनके शासन काल में लाखों रुपए का घोटाला, चाहे वो खाद्यान्न घोटाला हो, त्रिपाल घोटाला हो, जितने भी घोटाले हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, एक कदम भी मुकदमा आगे नहीं बढ़ा और वही स्थिति यह है कि आज मुलायम सिंह जी की बारी आई है। जो वायदे हैं, जो लोगों में समझौता है, उसी के तहत ये काम चल रहा है। अब सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ठीक है, जिस एजेंसी ने, जिस व्यक्ति ने, हमारा इशारा लोकायुक्त की तरफ है, लोकायुक्त ने इस सारे मामले की जांच की, जो हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं, उनके जांच के बाद किस तरह से बेदाग छूट जाते हैं लोग, इसमें किसकी जिम्मेदारी और किसकी जवाबदेही है। आज उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकार से हम उम्मीद करें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, हमें लगता है इससे ज्यादा। दो सवाल खड़े हुए, एक साजिश और एक समझौता। अब जरा ये बताइए कि जब पहले गिरफ्तारी हुई थी क्या वो साजिश थी या अब जो राहत मिल रही है वो समझौता है? देखिए गायत्री, जिस समय ये घोटाला उभर करके आया था जी, तो उसमें वहाँ के ये ब्लैक बेल्ट घोटाले में महाप्रबंधक पीएन सिंह थे, इन्होंने 2 लोगों का नाम उजागर किया था और उसमें मुख्य रूप से गोविंद शरण श्रीवास्तव थे, अरुण कुमार थे, जो कि उसमें गोविंद शरण श्रीवास्तव जो थे मुख्य अभियंता थे और ये लेखाकार थे। इन लोगों की मिलीभगत से वो घोटाले की शुरुआत हुई थी, जिसकी FIR उन्होंने लॉन्च कराई थी। उसके बाद में वो धीरे धीरे दायरा उसका बढ़ता गया, उसमें तमाम लोग, उसमें मंत्री भी उसमें आए कि इनके सामने इन्होंने पैसा दिया, इन्होंने पैसा दे के ये पास कराया पैसा, शिक्षा विभाग के निर्माण के इन्होंने पैसा पास कराया, इस तरीके से वो मंत्रियों के नाम और लोगों के नाम उभर करके आया, उसमें बाबू सिंह कुशवाहा वगैरह लोगों के नाम उभर करके आया जी। जांच हुई, अब ये लोग, ये बात जो बात दुजेन जी ने उठाई वो बात तो उसमें से कुछ अंश सही है कि लोकायुक्त ने अगर जाँच की और जो ये जाँच एजेंसी होती है वो
और लोकायुक्त जब जांच कराता है उसको सारी रिपोर्ट लोकायुक्त को दी जाती है कि ये जांच हुई है ये है, और उसमें कहीं पे भी कोई सुराग न रह जाए जिससे कि अपराधी बच जाए। तो ये पूरा की पूरा डिपेंड इस पे करता है कि चार्जशीट कैसी है, और जो चार्जशीट फाइल कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से गवाह हैं, गवाह कितने मजबूत हैं, क्या है, सब सारी कंडीशंस होती हैं। अब किस तरीके से जांच हुई, क्या है कि उसमें जो अधिकारी थे वो तो नप गए उसमें, वो तो फंसे, लेकिन ये मंत्री कैसे बरी होगा, ये सवाल जरूर उठता है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ चूक जरूर हुई लोकायुक्त के द्वारा। जांच में कोई चूक हुई है, कुछ और है जैन साहब? लोकायुक्त का मसला नहीं इसमें है ना, लोकायुक्त को परे रखो। जांच की उत्तर प्रदेश सरकार की मशीनरी ने, समझ गए ना आप, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एसआईबी, एसआईबी नाम है जी, एसआईबी ने, ठीक, जो उत्तर प्रदेश सरकार की मुलाजिम है, एक चीज पकड़ के रखिएगा ध्यान से, और फैसला सुनाया अदालत ने, ये इनके मल्होत्रा का मामला नहीं है। अदालत ने मालूम है क्या कहा? अदालत ने कहा जांच करने वाली एजेंसी की मंशा पर हमको शक है। एजेंसी की मंशा पर शक, शक इसका मतलब सरकार की मंशा पर शक, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना। यह बात तो पूरी दुनिया में यही नियम लागू होता है, सरकारी एजेंसी की मंशा पर शक मतलब सरकार पर शक, इसमें तो कोई विवाद नहीं ना किसी को, सपा बसपा भाजपा किसी को, सरकार पर शक क्यों नहीं जाए भाई? जो अधिकारी होते हैं जांच करने वाले वो आपसे ही डरते हैं, आपसे ही उपकृत होते हैं, आपसे ही दंड पाते हैं, आपके इशारे से काम होता है। चपरासी को सजा और मंत्री को मजा, 350 करोड़ का घोटाला हो गया, और जैन साहब एक बात बताएं, कितनी ईमानदारी से आपने जांच कराई बताएं? जो एसआईबी थी ना, उसके अधिकारियों का आरोपियों के साथ भोजन भजन करने के फोटो छप गए अखबारों में, तो बायरला मच गया था पूरे प्रदेश में, पता है ना, आपको जानकारी है ना इस बात की? जो जांच कर रहे हैं वो आरोपियों के साथ मुर्गा खा रहे थे और कुछ पी भी रहे थे साथ में, आप समझ रहे हो ना? तब हाय तो वो मची, बोले भाई ऐसा नहीं करो, इतना खुला प्रेम मत करो, इशारों में प्रेम कर लो, ये हुआ ना, कैसे छूट गए सब मैं बताता हूं आपको। सुशील कटियार और उसका प्यारो था प्रवीण सिंह, ये वांछित बताए गए थे, और इन्हीं के साथ जांच करने वाली एजेंसी के अधिकारियों को उठते बैठते खाते पीते रंगे हाथों पकड़ा गया। कैसी जांच होगी हमको दिखता नहीं क्या? इसलिए मैं बार बार कहता हूं समझौता है, एक छूट जाए दो छूट, सारे मंत्री छूट गए, सारे सीनियर अधिकारी छूट गए, जो दोयम दर्जे के बाबू चपरासी थे वो फंस गए। बाबू चपरासी कर सकता है 400 करोड़ का घोटाला? बाबू सिंह कहां है? बाबू सिंह बरी हो गए। लेकफेड में बाबू सिंह बरी हो जाए, यह बात वैसी है कि गंगा धरती से विलुप्त हो जाए। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है लेकफेड में उनका मतलब बाबू सिंह था, जानता है ना, गांव गांव जाके पूछ लो भैया। उसके बाद यह मंत्रालय किसके पास आया पता है ना आपको? उनके साथ भी आपकी बड़ी मोहब्बत है, बड़ा दिल का रिश्ता है उनके साथ भी। उनके खिलाफ सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन आपकी टेबल पर रखी है सरकार की, लेकिन वो फाइल आज तक उठाई नहीं आपके हाथों ने। मैं नाम लू, बाबू सिंह के पास किसके कर कमलों में आया था मामला? उनके साथ भी आपका रिश्ता बहुत प्यार का है, इसलिए ये शक पैदा होता है। ये 2 साल का ड्रामा क्यों, जब छोड़ना ही था? और एक बात मैं जरूर कहूंगा, मुझे स्मरण नहीं आता 4 बार मायावती जी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रही, 3 बार मुलायम सिंह जी रहे, अब अखिलेश जी है, ठीक, 4-4 बराबर हो गए ना जैन साहब, सुन लीजिएगा, है हर चुनाव में
इनने इधर से बोला कि मुलायम सिंह जी के परिवार के जितने भी गुंडे और भ्रष्टाचारी करने वाले लोग हैं इन सबको बंद करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और समाजवादी पार्टी ने कहा कि बहन जी के इर्द गिर्द जितने भ्रष्टाचारी हैं और बहन जी ने भ्रष्टाचार की जो गंगा बहाई किसी को छोड़ेंगे नहीं, सब जगह बुलडोजर चलाएंगे। बोला ना, इसका टेप दिखाऊं? ये मान रहे हैं ना। बोला चार बार वो रह लिए, चार बार आप रह लिए, बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, किसी नामचीन आदमी को उंगली नहीं लगाई। कोई गरीब की किस्मत खराब हो, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के झपेट में आके फंस गया हो तो अलग बात है, किसी सरकार ने अपनी कलम से, किसी सपा की सरकार ने अपनी कलम से किसी बसपा के पूर्व मंत्री का अहित नहीं किया, और बसपा ने कभी अपनी कलम से समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों का अहित नहीं किया। प्रदेश का इतिहास गवाह है, एक नजीर ले आओ मैं माफी मांग लूंगा। अदालत के चपेटे में कोई आके आप बचा ना पाए हो तो वो नप गया हो तो अलग बात है, जहां तक सरकारों की चली उन्होंने तो गोद में बैठा के रखा। क्या हुआ सीपी सिंह का, क्या हुआ टी राम का, कम विवाद में थे ही लोग। आपकी सरकार ने रिपोर्ट लिखाई थी हजरतगंज थाने में जाके, क्या हुआ पता है आपको उस रिपोर्ट का क्या हुआ? नहीं पता ना, कैसे पता होगा, जो होना था सो हो गया। वो भी मौज ले रहे हैं, ये भी मौज ले रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। जैन साहब तो आगे से इतने ईमानदारी बरत लो कि भाई अब की चुनाव में आप जाना, आपसे भी कह रहा हूं और बसपा से भी कह रहा हूं, तो मेरा निवेदन मान के ये बात जरूर बोलना मंच से कि भाई हम बसपा के किसी भ्रष्टाचार पर उंगली नहीं उठाएंगे, और बसपा वाले जरूर ये बोले कि हम सपा के किसी भ्रष्टाचार पर उंगली नहीं उठाएंगे। कम से कम तस्वीर तो साफ रहे, करना धरना है नहीं, बेमतलब समय खराब करते हैं हमारा भी और अदालतों का भी। जैन साहब इसमें गलत कहा हो तो आप बताओ, उदाहरण देके, उदाहरण देना ना, भाषण उदाहरण देना पड़ेगा, उदाहरण दीजिए। मैं बताता हूं, देखिए चुनाव के पहले जो बात आपने कही कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो आरोपी हैं, उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा, यही चीज कांग्रेस बीजेपी के लिए, कि बीजेपी कांग्रेस के लिए केंद्र के चुनाव में कहती है। मैं आपसे सवाल, जैन साहब जैन साहब जो चीज मेरे सवाल पर रहिए, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत मेरे सवाल कर रही है। अब आप कहते हैं इसमें बड़े लोग नहीं गए, बड़े लोग तो इसमें गए, हाँ ये जरूर है। आप जैन साहब मैंने क्या कहा, आप बात को घुमाइए नहीं, मैंने क्या कहा, आप इसमें देखिए, सबसे पहले जिनके नाम एफआईआर लार्ज हुई थी भैया, महाप्रबंधन ने जिनके नाम एफआईआर लार्ज कराई थी, मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले इसमें गोविंद शरण श्रीवास्तव ये बाबू चपरासी ऊपर बहस करूंगा, ये गोविंद शरण रामशरण नहीं चुनाव लड़ते हैं, बड़े चेहरे लाइए, लार्ज हुई थी इन्हीं दोनों के नाम लार्ज हुई, बड़े चेहरे लाइए, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं भैया, हमने उसमें और लोगों के नाम जुड़े। जैन साहब कोई बचे, जैन साहब कोई नहीं, जैन साहब मुझे क्षमा करिए, मेरी रुचि बाबू चपरासी और क्लर्कों में कभी नहीं रही, आपकी मुबारक रुचि है उनमें, मुबारक ना, मेरे शो में वो विषय बनते हैं कि गोविंद नारायण कौन है और ये कौन पीआरओ था एक प्रवीण सिंह, मैं इन पर चर्चा नहीं करता, मैं मंत्री और मुख्यमंत्री पर चर्चा करता हूं बस। हमने उनको वोट दिया, वो हमारे कटघरे में है, हम जाने पीआरओ कौन है, एक उदाहरण बता दो जब बसपा की सरकार की कलम से आपके पार्टी के बड़े नेता का कोई नुकसान हुआ हो, या आपकी सरकार की कलम से, कलम आपकी होनी चाहिए अदालत की नहीं, बसपा के किसी बड़े नेता को जेल हो गई हो, टेल मी द वन एग्जांपल, मैं माफी मांग लूंगा। दुजेंद्र त्रिपाठी जी, आपको अपने राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा घटना याद आती है जब चीफ मिनिस्टर की कलम से, सरकार की कलम से, पूर्ववर्ती सरकार जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा के आप आए सत्ता में, उसके किसी बड़े नेता को मुसीबत का सामना करना पड़ा हो? नहीं अमिताभ जी, जैसा कि मैंने पहले ही इसी बात को कहा, और सवाल यह है कि जहां तक करप्शन की बात है, एक ताजा उदाहरण आपको याद हो रहा हो, अभी तो दो तीन दिन पहले की बात है,
जहां पर समाजवादी पार्टी के सारे मंत्री बैठे हुए थे, उनके सभी वरिष्ठ पदाधिकारी बैठे हुए थे, जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी ने खुद कहा कि अखिलेश सरकार में कई भ्रष्ट मंत्री हैं, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो उनके खिलाफ कार्रवाई करता। अब उनकी बात अभी आगे बढ़ भी नहीं पाई थी कि समाजवादी पार्टी के ही एक बड़े नेता रामगोपाल सिंह जी ने उनको क्लीन चिट दे दी। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जाकर के उन्होंने सब लोगों को बरी कर दिया। अब यहां पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, या रामगोपाल जी के पास है? सवाल है किस तरह से बाईपास किया जा रहा है, किसके पास अधिकार है? ठीक है, ठीक है, आईपी सिंह जी जितना पूछ रहे उसी सवाल तक रहेगा, लंबी भूमिका नहीं। क्या आपके संज्ञान में कोई ऐसा उदाहरण है कि सपा की सरकार आई हो तो जिसको उसने भ्रष्ट बताया, पूर्व की बसपा सरकार, उसके बड़े चेहरों को बुक किया हो, या जब बसपा की आई हो तो सपा के बड़े चेहरों के खिलाफ का निर्णायक कार्रवाई हुई हो? अगर है तो उदाहरण बताइए। बिल्कुल, जब मायावती जी ने कहा कि मैं आज मुलायम सिंह और अमर सिंह को जेल में ठूस दूंगी, 5 साल नहीं, उन्होंने कोई याद नहीं किया, ये भाषण याद है, वही काम समाजवादी पार्टी जब से आई उन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन मंत्रियों को बसपा ने बर्खास्त कर दिया था, भ्रष्टाचार के दोष, चाहे रंगनाथ रहे हो चाहे बादशाह सिंह हो, जो बर्खास्त थे वही जेल गए, क्योंकि एसआईबी वही कार्रवाई करती है जो सहकारिता मंत्री चाहता है, जो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। इसलिए इसे जनता को गुमराह करने का मामला इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैन साहब जी, बाबू सिंह के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई रोल नहीं, ठीक, उसमें कतई बीच में हाथ डालिएगा भी नहीं तो जल जाएंगे, है ना, क्योंकि उसमें आपकी कोई भूमिका ही नहीं, आप भी दर्शक हो जैसे हम दर्शक है, आप चाहो तो मदद नहीं कर सकते, चाहो तो नुकसान नहीं कर सकते, स्टेट का कोई रोल नहीं उसमें, आपका रोल इतना है कि जिस जेल में वो रखे जाए वहां उनको खाना टाइम से मिले, इतनी सरकार की जिम्मेदारी है और कोई नहीं, ठीक। बाबू सिंह से लेके बसपा के जो बड़े नाम है, यहां नाम लेना ठीक नहीं क्योंकि उनके नाम लूंगा फिर आपके नाम भी लेने पड़ेंगे, और जिन पर मायावती जी ने नाम लेके आपके परिवार के लोगों के, जिनके नाम वो मंच से लेती रही कि भाई ये लोग गड़बड़ है, इनके खिलाफ इनको जेल में ठूस दूंगी आऊंगी, तो कभी कोई ऊंची आवाज में आपस में बोला भी क्या? नहीं ना, कभी किसी ने कोई ऐसी चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री ने कि भाई इसकी जांच निर्णायक करा के 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करो? आखिर जिस एक इशू पर आपने सरकार बना ली, भाई मायावती जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम मैदान में आए हैं, पत्थर घोटाला हो गया जी, कौन कौन घोटाला हो गया जी, क्या उस समय के जो मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के और दूसरे विभागों के जो उस परियोजना से जुड़े थे, क्या उनको राज्य सरकार ने जेल भेजा है? राज्य सरकार, मेरे शब्द सुनिएगा, किसी ने पीआईएल दायर कर दी और उसमें अदालत ने किसी को जेल भेज दिया, वो आपके खाते में नहीं डालूंगा। क्या राज्य सरकार ने जेल भेजा किसी को? तो फिर आप चुनाव में चिल्ला क्यों रहे थे कि हाथी पैसा खाता है? जैन साहब, अमिताभ जी, बिल्कुल, जो लोग उसमें भ्रष्टाचार के दोषी थे, हाँ, वो चाहे लेकफेड में रहो, सब जेल में थे अब तक की, देख लीजिए आपने क्या किया, चाहे एनआरएसएम में रहे हूं। नहीं, और अमिताभ जी, ये काम जो है जेल भेजने का काम जो है न्यायपालिका का है, नहीं सरकार का काम ये है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है। भाई आप कैसी गलत बात कर रहे हो, आप वकील हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, आपको समझ तो है ना, आपको समझ है ना, जेल भेज के आप आदमी को अदालत में हाजिर करते हो पर आप सबूत नहीं देंगे, तो क्या होगा? आरोप लिख करके दे दिए, वकील होके गलत बयानी करेंगे आप? नहीं, वकील होके दाखिल हो गई कोर्ट में, उसके हिसाब से कोर्ट आगे कार्रवाई करेगी। जैन साहब, वकील होके गलत बयानी मत करिए, आप जानते हो चीजों को, फिर ऐसी गलत बयानी कर रहे हो, भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, और तर्क आपका टिकेगा नहीं बाजार में। पहले शासन गिरफ्तार करता है, उसके बाद कोर्ट के सामने पेश किया जाता आदमी। हम लोग नेता नहीं है, उतनी अकल नहीं होगी आप लोगों के मुकाबले, लेकिन थोड़ी बहुत तो समझ है ना। अरे नहीं अमिताभ जी, आप हमको भी पता है ना कानून कैसे काम करता है। पहले आपको थाना हजरतगंज कोतवाली का ऐसो गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, आप समझे ना, यही प्रक्रिया पूरे देश में लागू है।
तो वही वही तो वही तो हुआ है अमिताभ जी, आपके आदेश जो उसके बाद में जो बरी होकर के आए हैं। नहीं जैन साहब, आपकी एजेंसी ने सबूत ही नहीं दिया आपने। सरकार ने आज आज वो कोर्ट से बरी हो रहे हैं। आपकी सरकार ने बड़े लोगों के खिलाफ सबूत ही नहीं दिए, इसलिए वो बरी हुए। अदालत का निर्णय पढ़िए, कहिए तो पढ़ के सुनाऊ क्या बोला अदालत ने। मैं सरकार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अदालत ने एजेंसी शब्द का इस्तेमाल किया है। एजेंसी मतलब सरकार, सरकार मतलब एजेंसी, ठीक है ना जैन साहब? कहिए तो जो स्पेशल कोर्ट ने कहा वो पढ़ के सुना दू, चेहरा साफ हो जाएगा उसमें, सरकार का भी आपका भी, फिर कोई भ्रम नहीं बचेगा किसी के पास। जैन साहब, इससे सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने से पहले जो बात समाजवादी पार्टी कह रही थी, क्या वो झूठी थी? नहीं गायत्री जी, बिल्कुल झूठी। हवा का हो हल्ला मचाया हुआ था। जो भी लोग भ्रष्टाचार के जहां जहां पे दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, और नहीं हुई है जो कुछ मामले घोटाले में भी लोकायुक्त की जो रिपोर्ट थी मुख्यमंत्री के पास पड़ी रही, अब राम नाइक के पास गई है वो कार्रवाई के लिए जी। स्मारक घोटाले की जांच का भी आपने क्या किया? लोकायुक्त ने कहा जांच करके कि कार्रवाई की जाए, उसकी फाइल भी आपके पास पड़ी रही, उसमें क्या किया? उसमें भी कुछ नहीं किया गया, जिसके बाद अब एनके मेहरोत्रा ने उस फाइल को राम नाइक को भेजा है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जैन साहब जो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करती हैं, उससे आप नकार नहीं सकते। नहीं देखिए, कहीं पे अगर कुछ ऐसा है कि कोई विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत उसमें फाइल कुछ कारणों से रोकी गई है, कुछ जांच वगैरह उसमें चल रही है, कहीं और जांच चली वो अलग बात है, बाकी जितनी फाइलें हैं इस तरीके की जहां पर भी जांच हो सकती है, जहां पे जांच होनी चाहिए, जांच हमको कराने में क्या दिक्कत है? ठीक है, हम तो चाहेंगे कि जांच हो, भ्रष्टाचार उजागर हो, जो दोषी हो जेल जाए। अरे ऐसा नहीं कर देना, जोर से मत बोलना जैन साहब, बड़े लोग सुन लेंगे तो नौकरी संकट में आ जाएगी आपकी। ठीक है, बातें बोली नहीं जाती ना। रॉबर्ट वड्रा भाजपा के चुनाव का मुद्दा होते हैं, सरकार में आने के बाद वड्रा पर निगाह नहीं डाली जाती। हम लोग जब थोड़ा बहुत चिल्लाते हैं तो कुछ फाइल आगे बढ़ जाती है, खट्टर कहते हैं कि वो तो फाइल ही खो गई, चूहे खा गए, पता नहीं कौन ले गया, रात में चोर आए थे शायद ले गए फाइल, अगर फाइल ही नहीं बची तो क्या करें, बताओ वड्रा का। ठीक, लेकिन चुनाव में मुद्दा होता है। वाजपेयी जी के की दत्तक पुत्री के पति रंजन भट्टाचार्य कांग्रेस का चुनाव का मुद्दा होते हैं, सेंटूर होटल डिस इन्वेस्टमेंट में। लेकिन 10 साल सरकार रह जाती है कांग्रेस की, भगवान का नाम लो, जिधर रंजन भट्टाचार्य रहते उधर मुंह करके देखती भी नहीं सरकार। वही परम पवित्र, परम पुनीत, परम स्नेहिल, बिल्कुल वैलेंटाइन जैसा सपा बसपा के बीच में रिश्ता है। मंच पर चिल्लाओ, गर्जो, दहाड़ो, तखत तोड़ दो, माइक फोड़ दो, लेकिन ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी कहूं। 20 साल से तो हम ही देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जब से दोनों पार्टियां शासन कर रही हैं तब से आज तक। मैं लल्लू जलघर की बात नहीं कर रहा, ननकू पनकू की, किसी दरोगा ने कहीं दो डंडे मार जेल भेज दिया हो। जो बड़े चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के, उनका बसपा शासनकाल में कोई कानून का डंडा पड़ा हो उन पर, या बसपा के बड़े चेहरों पर राज्य सपा की सरकार के द्वारा डंडा पड़ा हो? मैं फिर साफ कर दूं, अदालतों के द्वारा पड़े हुए डंडों को मैं सरकारों के खातों में नहीं काउंट करता। 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला मनमोहन सिंह की जांच का नतीजा नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव था, इसलिए मैंने कभी उसको कांग्रेस के खाते में डाला नहीं, जबकि कांग्रेस हर बार यही चिल्लाती थी कि हमने जांच की, हम कहते थे नहीं आपने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। मुझे ऐसा उदाहरण दे दे पार्टियां कि हमारी सरकार आई, शासन ने अपना दायित्व निभाया प्रतिस्पर्धी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ, नहीं निभाया। पंजाब में बादल साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वही गठबंधन, ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी कहूं। महाराष्ट्र में पवार साहब, शिवसेना, भाजपा, वही गठबंधन, ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी कहूं। तो जनता के सामने एक बार सब लोग चारों पांचों पार्टियां जाके क्यों नहीं बोल देते हो कि भाई देखो हम लोग इस मामले में गड़बड़ नहीं करेंगे? एक बार एक ऑल पार्टी जनसभा क्यों नहीं कर रहे लखनऊ में, कैसा रहेगा?
भाजपा बसपा कांग्रेस सपा सब लोग अजीत सिंह को भी बुला लीजिए, सब लोग खड़े हो जाओ और जनता के सामने तुलसी का पत्ता और गंगा जल हाथ में लेके बोल दो कि भाई पांच पांच साल से भ्रष्टाचार करेंगे लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, जान ले जनता हम लोग बोलेंगे। हाँ कहीं बाबू चपरासी नहीं नहीं आईपी सिंह आप अतिरिक्त नहीं है, विशेष नहीं है आईपी सिंह जी, भाजपा मेरे लिए विशेष नहीं आईपी सिंह जी, नो नो बीच में नहीं, बीच में नहीं, जैसे बसपा सपा कांग्रेस वैसे भाजपा, मैं उदाहरण नहीं नहीं आईपी सिंह जी नो नो इंटरवीन प्लीज नो 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 इंटरवेंशन नो नो। इसलिए एक बार ऐसा कर लीजिए जनता का भी मुगलता दूर हो जाए, जो ये सोच के बैठती है कि नहीं नहीं अब की सरकार आने दो एक एक भ्रष्टाचारी नाक नकेल डाल देंगे, नहीं हो सकता कहीं कोई चपरासी जेल भेज दिया जाए, बाबू दरोगा लेखपाल पटवारी अप्लायर सप्लायर दवा सप्लायर गिट्टी सप्लायर मोरम सप्लायर ये जेल जाते हैं, बड़े लोग नहीं जाते नहीं। पूरा लेखपाल जिनकी दस्तखत से संचालित हुआ जिनके नेतृत्व में चला वो दो बड़े मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के उस समय के दोनों बड़ी हैं। क्या किसको सिखाएंगे आप, ये समझाने की कोशिश मत करिए। मैंने दो नाम लिए निर्माण में सीपी सिंह साहब और टी राम, इनका नाम था ना चर्चा में सत्यनारायण की कथा कराने के लिए, तो नाम आता नहीं इनका, पता है ना किस लिए आता है, क्या हुआ इनका, ये श्रीमद भागवत कथा कह रहे थे क्या उस दौर में, जैन साहब जानते हैं ना टी राम को, एसपी सिंह का सीपी सिंह का रौला देखा था उस दौर में कि नहीं देखा था, लखनऊ में अच्छे अच्छे मंत्रियों का उतना रौला नहीं था, आपके मंत्रियों का उतना रौला नहीं होगा जितना रौला सीपी सिंह का था उस दौर में, और मंत्री भी उनको साहब बोलते थे, पता है ना, आपकी सरकार ने क्या कर लिया उनका, क्या कर लिया, मंच पर गला बहुत फाड़ा, जब मुल्क जब उत्तर प्रदेश ने आपको ताकत दी तो आपने भी वही किया जो रिश्ता पुराने निभा गए थे, आपने भी वही रिश्ता निभाया, तू मुझे गिफ्ट दे मैं तुझे रिटर्न गिफ्ट दूं, लोकतंत्र की जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका, आईपी सिंह जी आपका, विजेंद्र त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।